नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो फ्रेंड्स रेसिपी देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में रेसिपी को शेयर कीजिएगा। शिमला मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम शिमला मिर्च लिया है, जिसे हमने ऐसे लंबाई में काट के रखा हुआ है। और शिमला मिर्च की कटिंग आप अपने हिसाब से छोटे या लंबाई जैसे मर्जी काट सकते हैं। लेंगे आधा कप सरसों का तेल, 1/4 कप हमने लिया है वाइट विनेगर, 4 चम्मच लिया है हमने पीली वाली सरसों, जिसे हमने सूखा पाउडर बना लिया है, 2 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच सौंफ पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर, 3/4 पिंच हमने लिया है हींग। तो फ्रेंड्स चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे पहले। तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तब हम डालेंगे हींग। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे हम। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, सभी चीजें डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। सभी मसाले मिक्स हो जाने के बाद शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, बस 1 ही मिनट हम शिमला मिर्च को हाई फ्लेम में सभी चीजों के साथ मिक्स करते हुए चला लेंगे। इसे शिमला मिर्च थोड़ा पहले सॉफ्ट हो जाएगा, डाल देंगे सरसों, नमक, फिर से मिक्स कर लेंगे एक बार। फ्रेंड्स अचार की रेसिपी ये जरूर बनाइएगा और बनाने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद। बस 1 ही मिनट हमने सभी मसालों डालने के बाद शिमला मिर्च के साथ मिक्स करते हुए चला लिया है, लेकिन हमने इसे ज़्यादा नहीं भुना है। अब हम इसमें डालेंगे सिरका यानी विनेगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गैस का फ्लेम पहले ही बंद कर दिया है विनेगर डालने से पहले। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम किसी कंटेनर में इसे शिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जिस कंटेनर में आप अचार को रखें उसे अच्छे से उबाल लें गर्म पानी में, उसके बाद सुखाइए, फिर अचार को उसमें शिफ्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ठंडा होने के बाद हम आपको दिखाते हैं सर्व करके। फ्रेंड्स थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने इसे एक जार में ट्रांसफर कर लिया है, देखिए। तो फ्रेंड्स ये शिमला मिर्च की अचार की रेसिपी ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिए गए मेरे चैनल के लोगो में आप क्लिक कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।